नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने केंद्र जम्वाल, इस समय मैं आपको लेकर आया हूँ इस बस के अंदर। ये बस जा रही है पहलगाम रूट से। ये यात्री हैं, मेरे साथ कुछ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस कदर का उत्साह इनमें जो है वो भरा हुआ है। बस कुछ ही क्षण में ये बस जो है यहाँ से छूटने वाली है, भगवती नगर जो बेस कैंप है इनका, यहाँ से। आइए जानकारी लेते हैं लोगों से। जी मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? MP से। MP से पहली बार यात्रा कर रहे हैं? जी हाँ। कितने सदस्य हैं आपके साथ? हमारे साथ में सात सदस्य। सात। कैसा उत्साह है? बहुत उत्साह है। क्या नाम है आपका? धीरज राठौर। इनके साथ ही? हाँ। कैसा, आप भी पहली बार ही हैं? पहली बार ही आ रहे हैं, बहुत उत्साह है। जिस तरह से बातें उठती हैं कि यहाँ पे अगर रियासत जम्मू कश्मीर में जाया जाए, यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं वही दिखेंगे, यहाँ पे पत्थरबाज मिलेंगे, क्या लगता है? नहीं नहीं, हमारी मिलिट्री है, हमें कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। और मौसम का अगर देखा जाए तो? मौसम तो बदलाव होता रहता है, मौसम का कोई कह नहीं सकते। ठंड वगैरह तो नहीं लग रही? ठंड तो अभी नहीं लग रही, बहुत गर्मी है अभी। शासन की तरफ से कोई अगर चूक हो? नहीं नहीं, कोई चूक नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। किस दिन आए थे आप? हम आए थे कल। कल आए थे। रजिस्ट्रेशन वगैरह में कुछ? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन करवा के आए थे। करवा के आए थे आप? टिकट टुकट लेने के लिए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं आपकी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमें कोई भी दिक्कत का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ा और आराम से ही इनको टिकट और रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल चुकी थी। और भी हमारे साथ यात्री हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? हम लोग राजस्थान सरकार, हम लोग त्रिपुरा से आए हैं। त्रिपुरा से? त्रिपुरा से। हाँ। पहली बार आए? हाँ पहली बार। कैसा लगा जम्मू? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन जिस तरह से बाहर बातें फैलती हैं कि जम्मू कश्मीर नहीं जाना, वहाँ पे पत्थरबाजी होती है। हाँ, हम लोगों को बोला था लेकिन वो सुना नहीं, देखने का मन कर रहा है बोला जी को, इसलिए आ गया। हाँ, नहीं उसको देख के क्या करूँगा, सिर्फ बोले जी को देखना है इसलिए आ गया बहुत दूर से। हाँ। अकेले आए या और भी हैं? हमारा दोस्त। दोस्त के साथ? हाँ, पहली बार। हाँ पहली बार। और अपने सुरक्षा बलों पर पूरा विश्वास है? हाँ पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। हाँ पूरा विश्वास है। जी आपका नाम? रमेश चंद्र। रमेश जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए हैं? दूसरी बार आ रहा है। हाँ। पिछले बार को कंपेयर किया जाए इस बार? नहीं, इस बार बहुत बढ़िया लग रहा है, इस बार ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हाँ, प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत का सामना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे किसी को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है और इन्होंने कहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक जो है वो नहीं दी गई है। और भी यात्री गण, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? श्याम राजपूत। कहाँ से आए? MP से। MP से। हाँ। कितने सदस्य हैं? 9 लोग हैं सर। 9 लोग हैं? 9 लोग। पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ। जम्मू कैसा लगा? जम्मू बहुत बढ़िया लगा। जम्मू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई यहाँ पे समय बिताया आपने जम्मू में? समय तो कुछ नहीं, 24 घंटे हुए बस अभी आए हुए। हाँ, रजिस्ट्रेशन और बाकी ये सब। इसके बाद बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद आप जाएंगे वैष्णो देवी? वैष्णो देवी जाएंगे पक्का। पक्का? हाँ, पिछली बार भी गए थे, इस बार भी जरूर मैया रानी के यहाँ जरूर जाएंगे। अगर आपको कंपेयर करना चाहे पिछली बार की यात्रा का इसके साथ? नहीं, अब मेरा तो अमरनाथ पहली बार है। पहली बार है? वैष्णो देवी आए थे पहली बार? हाँ पिछली बार। जम्मू का टेम्परेचर कैसा है? जम्मू का अभी तो थोड़ा हाई लग रहा है, जैसा हमारे MP में रहता है वैसे ही लग रहा है। वैसे ही है। हाँ, फिर आगे जाके देखते हैं। बाहर होता है ना कि जम्मू कश्मीर जाना है, स्वेटर वगैरह। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे तो पसीना ही लग रहा है, फिर देखते हैं आगे कैसा रहता है। आगे कैसा रहता है। और भी है साथीगण, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश राजपूत। कहाँ से? MP से। राजपूत है जी? डर तो नहीं होगा? नहीं, घरों में राजपूत ही? नहीं, राजपूत ही खून है भाई, डरने का थोड़ी ना है। होता है ना जब कभी? नहीं नहीं, का नाम सुनते ही नहीं आ जाता है कि पता नहीं, वो सबको आ जाता है लेकिन राजपूतों को कभी नहीं आता है। राजपूतों को नहीं? जी नहीं। स्पेशल खून? हाँ राजपूत ही खून है, राजपूती खून तो होता ही तेज है। पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। कितने सदस्य साथ? 9 सदस्य हैं हम। 9 सदस्य जी, पहली बार आए हैं। हाँ, जिस तरह से थ्रेट आती रहती है कोई वगैरह? नहीं, वो तो सब चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी बहुत दिक्कत आती भी है तो उसका सामना करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलती रहती है, कोई दिक्कत। बाबा देखेंगे इसको क्या करना है। हाँ, भोले बाबा के हाथ में बाकी सब कुछ। हाँ, वो तो भोले बाबा के हाथ में, उनने बुलाना था तो हम आ ही गए, आज आप दर्शन करने जा ही रहे हैं। भोले ने बुलाया तो इसलिए आए हैं ये लोग, और इनको कोई डर नहीं है क्योंकि भोले बैठे हैं, वो सबकी जो है वो किस्मत वही तय करते हैं। और भी हैं साथीगण, से भी बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? सिरसा से। सिरसा से कितने सदस्य हैं? 4 हैं। 4 हैं तो मैडम और बहू पहली बार आए हैं।
आप पहली बार आए हैं? हाँ जी। इन्हीं लोगों के साथ? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। कोई डर वगैरह तो नहीं? मैं तो 7 बार आ गया, मेरा बेटा 4 बार आ गया, और अब की बार कुछ ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ज्यादा बढ़िया। हाँ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हाँ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे जो है वो आपने सुनी लिए। और हाँ हाँ, लगाए लगाए नारे लगाए बोले ना हिंदुस्तान। गाड़ी जो है यहाँ से अब निकलने वाली है, क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है पहलगाम रूट के लिए। और साथ ही साथ बता दें, इससे पहले जो है जा चुकी है, और अब ये गाड़ियां भी यहाँ से निकल रही है। जयकारा जो है वो भोले बाबा का लग रहा है। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं चप्पे चप्पे पे वो बैठी हुई हैं, इनकी जो सुरक्षा है उनके हाथों में है। और साथ ही साथ बाबा बर्फानी ने जिस तरह से इनको बुलाया है, आज ही के दिन इनको बुलाया है, ये जब कल या परसों वहाँ पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय यहाँ से कैमरामैन अमित सिंह सासन के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।